SRM टुडे शहर की आवाज। ब्रेक में आपका स्वागत है। जिले में आए जल प्रलय के बाद राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। इसी के चलते बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए नगरीय प्रशासन का आवास मंत्री जयवर्धन सिंह मंसूर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के निर्देश पर प्रदेश के नगरीय प्रशासन व आवास मंत्री जयवर्धन सिंह मंसूर आए। वे मंदसौर नगर में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान को देखने व बाढ़ पीड़ितों से मिलने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में पहुंचे। इस निरीक्षण के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह बाढ़ प्रभावित क्षेत्र धानमंडी, बसेर चौक, पतासी गली, खानपुरा, राजीव कॉलोनी, ईदगाह के पीछे झुग्गी बस्ती, गुदरी टोडा क्षेत्र सहित कई गली मोहल्लों में पहुँचे और बाढ़ प्रभावित लोगों से चर्चा की। आप सभी लोग शांति से सुने, 30 घंटे तक यहाँ का पानी वो निकाल नहीं पाए। पूर्णिमा के रोज रात को 8:30 बजे पानी कुमार हो गया था और 10:30 बजे पानी बिल्कुल बंद हो गया था। ये पानी लगभग 3 घंटे में 4 घंटे में देखो सर, हमने इकट्ठे कर रखे हमारे लेवल पे और इनका रिकॉर्ड क्या नुकसान हुआ। हमने सब करीब करीब 22 से 25 करोड़ रुपए का नुकसान व्यापारियों का केवल इस मंदसौर इस एरिया में आ रहा। और हमारे पास टोटल हमारे पास जानकारी एक एक मैंने अभी इससे पहले मैं मंदसौर की नगर पालिका में ही बैठक मैंने ली थी, जहां मैंने सख्त निर्देश दिए हैं यहां के अधिकारियों को, जो मेरे विभाग के इंजीनियर इन चीफ हैं वो भी यहां मौजूद हैं। और हमने आदेश दिए हैं कि मंदसौर शहर के लिए एक नया पंपिंग स्टेशन बने, इसके लिए हम पूरी DPR तैयार करवा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जैसी DPR तैयार होगी नए पंपिंग स्टेशन के लिए पूरी सहायता और पूरा जो इसका अंशदान है वो मध्य प्रदेश शासन आपको उपलब्ध कराएगी या मंदसौर में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि जो नुकसान हुआ है उसका हमको जायजा लेना है। उसमें जो रिपोर्ट आप सब ने तैयार की है उसको भी मैं गवर्नमेंट द्वारा ले लूँगा। और उसके अलावा भी जो यहाँ पे कलेक्टर्स में बात करके यहाँ का पूरा हम एस्टिमेट इकट्ठा करेंगे और फिर किस प्रकार से यहाँ पे आपको हम किस प्रकार से और सहायता कर सकते हैं उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। रोड कराते हैं आपके लाल से एक मिनट पीछे सब प्लीज। इस निरीक्षण के दौरान धानमंडी क्षेत्र के व्यापारियों ने मंदसौर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स संस्था के तत्वावधान में एक मांग पत्र नगरीय प्रशासन मंत्री को सौंपा। इस मांग पत्र में व्यापारियों ने मध्य प्रदेश शासन से उनके नुकसान के अनुसार राहत राशि देने की मांग की। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री द्वारा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का भी निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण के दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह बसेर चौक पहुँचे। यहाँ के व्यापारियों ने यहाँ के पंप स्टेशन की जो समस्या है उसके बारे में अवगत करवाया। जिला कांग्रेस उद्योग व व्यापार प्रकोष्ठ के रमणीक पोखराना हाउस की कम क्षमता व इसका काफी नीचे बना होना है। वही बाद में नगरीय प्रशासन मंत्री पुराने लखड़पीटा क्षेत्र में बने पंप स्टेशन को देखने पहुंचे, जिन्हें पंप की कम क्षमता तथा पुराने पंप होने के कारण यहां बाढ़ आने की समस्या से अवगत करवाया गया। इस संबंध में नगरीय प्रशासन व आवास मंत्री जयवर्धन सिंह ने बताया कि निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट भोपाल भेजी जाएगी और सर्वे के अनुसार ही लोगों को राहत राशि दी जाएगी। उजाले का काम देख लिया है। अरे यार आप लोग चिंता कर रहे हैं। पानी का पाला मेरा कोई नहीं।
पानी भरा रहा व्यापारियों से आप मिले हैं, क्या कहना है जी? देखिए, बाढ़ के कारण चाहे वो आमजन हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो व्यापारी हो, सबको, सबके घरों में, सबके दुकानों में काफ़ी यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ की सर्वे भी हो चुकी है और माननीय कमलनाथ जी ने मुझे आदेश दिए हैं कि यहाँ पर आकर पूरा इसका जो जायज़ा है वो हम ले और उसके बाद हम पूरी रिपोर्ट भी भोपाल में प्रस्तुत करेंगे। अभी इससे पहले मैं रामपुरा नगर पंचायत में भी गया था, जहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, जहाँ पर और मंदसौर में भी, और जहाँ जहाँ शहरी क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी कच्चे घर गिरे हैं वहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ऐसे परिवारों को 2.5 लाख रुपए आवास के लिए देगी। इसके साथ में अलग से भी अगर कोई ऐसे और भी घर जो टूटे हुए हैं वहाँ पर भी 1 लाख तक की राशि दी जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए भी हम यहाँ पर विशेषकर जिन जिन व्यापारियों को अधिक नुकसान हुआ है, जिनका सर्वे में जिनका नाम आता है, उनके लिए भी हम राहत राशि देंगे। इसी प्रकार से हमारा यही प्रयास रहेगा कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ पर पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश शासन आम जनता के साथ खड़ा है। इसके साथ में मुझे बताया गया है कि मंदसौर का पंपिंग स्टेशन लगभग 40 साल पुराना है। मैं अभी वहाँ पर उस स्थान पर जाऊँगा भी मौके पर देखने के लिए, और वहाँ पर हम उसके लिए एक नए पंपिंग स्टेशन की हम DPR बनवा के मध्य प्रदेश शासन एक नया पंपिंग स्टेशन भी यहाँ के लिए स्वीकृत करेगा ताकि ऐसा हादसा कभी वापस ना हो। यहाँ पर आप आए हैं, व्यापारियों का कहना है कि एक एक व्यापारियों का 80 लाख 60 लाख पे ऐसा नुकसान हुआ है। जी, वो हर जो मुझे बताया गया है, कोई व्यापारी कह रहा है 5 लाख, कोई कह रहा है 10 लाख, कोई कह रहा है 1 लाख, तो हर व्यक्ति के अलग अलग उसमें है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट आने पर ही उस पर हम निर्णय ले पाएंगे कि कितना नुकसान वास्तव में हुआ है। मंदसौर में काफी आपदा हुई है, यहाँ पर दुकान पर, यहाँ पर कमर कमर तक का पानी था, यहाँ पर काफी पानी था, नगर में पूरे घर डूब चुके थे जी। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी नहीं आए, क्या कहना? देखिए, मुख्यमंत्री जी आज यहाँ पर दौरे पे थे, उन्होंने रामपुर नगर पंचायत में भी उन्होंने दौरा किया है और साथ में मंदसौर जिले में जो अन्य गांव है, क्योंकि वहाँ पर भी फसल में बहुत नुकसान हुआ है, तो वहाँ भी उन्होंने दौरा किया है। उन्होंने मुझे आदेश दिया है कि यहाँ पर आकर पूरा मौके पर पूरा निरीक्षण करें और फिर जैसी रिपोर्ट अपने पास आएगी तो उसकी राशि देंगे। 685 रुपए से ज्यादा का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, ऐसी स्थिति में आपकी सरकार क्या करेगी? इसीलिए मैंने कहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर आज देखने आया हूँ जो वास्तविकता है, जितना नुकसान हर व्यापारी को हुआ है। जैन साहब ने पूरी लिस्ट एकत्रित की है, वो लिस्ट हम CM साहब को प्रस्तुत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक जो सहायता हम दे सकते हैं हम देंगे। SRM Today, शहर की आवाज़।